आज वर्ल्ड कैंसर डे है। राजधानी में कई जगह कैंसर अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी के अस्पताल रूबन ने भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। रूबन में महीने भर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और अस्पताल में निशुल्क मेडिकल परामर्श भी देंगे विशेषज्ञ चिकित्सक। वहीं डॉक्टर प्रिंस ने बताया कि कैंसर के लिए अवेयरनेस सबसे जरूरी है, खास करके महिलाओं को स्तन कैंसर के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, जिससे कि कैंसर से बचा जा सकता है। जब कहीं न बने काम तो हमसे ही ले समाधान, लाखों दुखों की एक दवा, बस फकीर की एक दुआ। हर समस्या का समाधान 100% गारंटी के साथ, सभी जगह से निराश माताएं बहनें जरूर फोन करें, जिससे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, लव मैरिज, नौकरी, कारोबार, ग्रह कलेश किया कराया, जादू टोना, खिलाया पिलाया, सोतन या दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, सास बहू के झगड़े, संतान प्राप्ति, पशु फसल में नुकसान, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के झगड़े, बीमारी में दवा का ना लगना, पितृ दोष, शादी ब्याह में रुकावट, शराब छुड़ाना। अगर किसी का पति, बेटा, प्रेमी किसी के वश में हो तो एक बार फोन करें बाबा खान जी को 9878699918। घर बैठे फोन पर 100% गारंटीड समाधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरण करवाएं या तुड़वाएं। आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जा रहा है इसलिए ताकि कैंसर मरीजों के बीच में जागरूकता फैलाया जाए। इवन जिनको कैंसर नहीं है और कैंसर होने की संभावना है फ्यूचर में, जो भी ये लोग हाई रिस्क एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए 2 सबसे मुख्य वजह है कैंसर का, हमारा स्मोकिंग और टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल, वेट गेन, वजन बढ़ना, ये सब की वजह से कैंसर होता है। हमारा ऑलमोस्ट 1/3 कैंसर इन वजहों से ही होता है, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम हमारा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकें। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय मॉडिफाइंग लाइफस्टाइल। मोर कैंसर के कई सारा वजह है, जैसे सबसे प्रमुख कारण है टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, इवन गुल मंजन जो लेते हैं उससे भी माउथ कैंसर होता है। इवन आपका अगर माउथ में ऐसा दांत है जिससे बार बार इरिटेशन हो रहा है, जो कट जा रहा है जीभ या गाल, वैसा दांत को निकाल देना चाहिए। बार बार इरिटेशन होने से वो बाद में कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं उस तरह किस कारण से होते हैं आखिर? ब्रेस्ट कैंसर इस साल का ग्लोबोकॉन 2021 डाटा यही कहता है, सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। 8 में से 1 महिलाएं को ब्रेस्ट कैंसर है और ये ऐसा कैंसर है जिसको हम अगर टाइम से पहले भी अगर पता चल जाए तो अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर करने पर सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये कहा गया है, जितने भी महिलाएं हैं 40 साल की, 40 साल होने के बाद उनको हॉस्पिटल में आकर मिलना चाहिए, उनका मैमोग्राम होगा और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। जब भी वो वॉशरूम नहा रही है तो एक बार सेल्फ से ब्रेस्ट को पैल्पेट करना चाहिए, ब्रेस्ट को छू कर देखना चाहिए कहीं गांठ तो है नहीं है। तो इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखा गया अगर ब्रेस्ट कैंसर को पहले डिटेक्ट किया जा रहा है कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले, तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा रहता है और पेशेंट का लाइफ नॉर्मल रहता है ऑलमोस्ट, अगर अर्ली स्टेज में रहा तो। सर, वर्ल्ड कैंसर डे पे आज रूबन कुछ सलाह देना चाहिए?